हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया जीडीपी ग्रोथ प्रेडिक्शन शॉक्स, एवरीवन आईएमएफ से इंडिया विल ग्रो। वाओ, तो देखते हैं जी वीडियो, अपना रिव्यू एंड पर देते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत वर। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स हुए हैं पब्लिश। फॉर एग्जांपल यहां पे आप देख पाओगे आईएमएफ रेजेस इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 24 ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.3। बेसिकली आईएमएफ ने ये कहा है कि ना सिर्फ इस साल, अगले फाइनेंशियल ईयर में भी मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये बहुत ज़रा स्ट्रांग रहेगी। एक बार को चाइना की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये काफ़ी कम हो जाएगी, मगर इंडिया लगातार ग्रो करता रहेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे इसका पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। पीएम मोदी ने भी बाय द वे ये जो पूरा डेटा है ये शेयर किया है। उन्होंने ये कहा है कि पावर्ड बाय द स्ट्रेंथ एंड स्किल ऑफ आर पीपल, इंडिया इज ए ग्लोबल ब्राइट स्पॉट, एक पावर हाउस ऑफ ग्रोथ एंड इनोवेशन। वी विल कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन आर जर्नी टुवर्ड्स ए प्रॉस्परस इंडिया, फर्दर बूस्टिंग आर रिफॉर्म ट्रेजेक्ट्री। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईएमएफ ने कहा क्या है, इंडिया की ग्रोथ रेट के बारे में क्या प्रोजेक्शन की जा रही है, और साथ ही साथ हम यहां पर यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि डेट के मामले में, उधार के मामले में आईएमएफ ने यह क्यों कहा है कि भारत और चाइना काफी हद तक सेम है, मगर फिर भी भारत एक ज्यादा सुरक्षित इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। तो बहुत कुछ यहां पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत और तंजानिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है तंजानिया, इन दोनों ने डिफेंस कोऑपरेशन के लिए कितने साल का एक रोड मैप तैयार कर लिया है? यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 10 साल का, 3 साल का, 4 साल का या फिर 5 इयर्स का। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। सो यहाँ पर आप देख पाओगे आईएमएफ का डेटा। नाउ ये आप नोटिस कर पाओगे 2022 लिखा है, फिर 2023, 2024। जो 2023-24 का डेटा है ये प्रोजेक्शन है, अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है आईएमएफ द्वारा कि इतनी ग्रोथ रेट ये देश दिखाएंगे। अभी तक ये जो ग्रोथ रेट है ये रजिस्टर नहीं हुई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली। और यहाँ पे देखो इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी, जैसे आप सबको याद है 2022 में 7.2% थी, विच वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग। इंडिया ने अबव एंड बियॉन्ड एक रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ रजिस्टर करी। चाइना की जो ग्रोथ रेट थी, जीडीपी ग्रोथ रेट, ये 3% के आसपास थी, काफ़ी कम थी। नाउ आईएमएफ कह रहा है कि आने वाले 2 सालों में प्रिडिक्शन इनकी ये है कि क्या रहेगा, इंडिया 6.3 लगातार ग्रो करेगा 2023 में भी और 2024 में भी, मगर चाइना हो सकता है कि एक बार को 5% के आसपास ग्रो करे, मगर उसके बाद चाइना की ग्रोथ रेट 4.2% के आसपास हो जाएगी 2024 में। नाउ मुझे एक बात ऐड करनी पड़ेगी, ऑलरेडी कई इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि 2023 में भी ना, जो चाइना का टारगेट है 5% की ग्रोथ रेट का, चाइना इसको अचीव नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे जो प्रॉपर्टी क्राइसिस चाइना में खड़ा हो रहा है, इनकी कई कंपनीज हैं जो प्रॉपर्टी जायंट्स मानी जाती थी चाइना में, स्ट्रगल कर रही हैं। कई कंपनीज हो सकता है कि डिफॉल्ट कर जाए, खुद को दिवालिया घोषित कर दे। ये सब जो कंपनीज है ना, इस सब की वजह से चाइना का जो ग्रोथ टारगेट है 5% का फॉर 2023, ये लोग इसे अचीव नहीं कर पाएंगे। और ना सिर्फ चाइना, आईएमएफ ने यह भी कहा है कि कई कंट्रीज थी जिन्होंने पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ दिखाई थी, मगर 2023-2024 में उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा बौनी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया आप जान के हैरान होंगे 2022 में ना 8.7% की ग्रोथ पे उठा था। हालांकि सऊदी अरेबिया की जो ओवरऑल इकोनॉमी है ये इंडिया के मुकाबले या और जो मेजर इकोनॉमीज हैं उनके मुकाबले काफी छोटी आपको मिलेगी। यहाँ पे आप देख पाओगे इस आर्टिकल में भी लिखा है कि सऊदी इकोनॉमी ग्रू 8.7% लास्ट ईयर एज ऑयल प्राइसेस बूस्टेड रेवेन्यू। ऐसा नहीं है कि इनके यहाँ कुछ जेन्युइन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई थी, यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से तेल की कीमतें इतनी उड़ गई कि बाय डिफॉल्ट सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमी है इसको भी एक बूस्ट मिला है। और एक साल में ही इन्होंने सब G20 कंट्रीज में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट दिखाई थी। जी हाँ, इंडिया से भी 2022 में ये लोग आगे निकल गए थे, बट जो ऑयल बूस्टेड ग्रोथ रेट होती है उसे इन्वेस्टर्स सीरियसली नहीं लेते, उसके दम पर इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते। क्योंकि यहां पे आप देख पाओगे आईएमएफ का कहना यह है कि अब 2023 में ये ग्रो करेंगे 0.8%। तो इंडिया सऊदी अरेबिया के केस में आप कह लीजिए ऑलमोस्ट
खरगोश और कछुए वाली कहानी है, कंसिस्टेंटली इंडिया आगे बढ़ रहा है, जबकि सऊदी अरेबिया की जो ग्रोथ रेट है काफी हद तक एक पिंग पोंग गेम जैसी है। अभी 8.7%, उसके बाद अगले साल 0.8%, और उसके बाद 2024 में आईएमएफ की प्रोजेक्शन है कि सऊदी अरेबिया 4% के आसपास ग्रो करेगा। और ओवरऑल 2023 में दुनिया के किसी भी कंट्री को आप देख लीजिए, चाहे वो एडवांस्ड इकोनॉमी है, चलो कभी कभी ये तर्क दिया जाता है कि जी एडवांस्ड इकोनॉमी है तो अभी ज़्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल है, नहीं, अगर हम एडवांस इकोनॉमी को ना भी देखें, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनको भी देख लें, चाहे ब्राज़ील हो, चाहे नाइजीरिया हो, साउथ अफ्रीका, कोई भी देश आप देख लीजिए, इंडिया के आसपास कोई देश नहीं आता। तो इससे होने क्या वाला है? देखिए, इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, क्योंकि अगर पैसा ग्रो करना है, इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रो योर मनी, तो इंडिया में निवेश करना ही होगा, और निवेश से ना अल्टीमेटली ग्रोथ और ज़्यादा आगे बढ़ती है। तो इंडिया की जो पोजीशन है आज के समय बहुत ज़्यादा स्वीट है, इसलिए पीएम मोदी ने ये जो प्रोजेक्शन है ये शेयर भी करी है। यूजुअली प्राइम मिनिस्टर ये शेयर करते नहीं है, बट ये जेन्युइनली हमारे लिए खुशी की बात है कि ग्लोबली ग्रोथ रेट ना के बराबर उठेगी, इंडिया फिर भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा होगा। अब एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आपकी ये हो सकती है, ठीक है इंडिया और चाइना में ग्रोथ रेट का एक डिफरेंस आपको दिखेगा, बट स्टिल चाइना थोड़ा बहुत तो ग्रो करेगा ना। आई मीन 4% के आसपास की जो ग्रोथ रेट है, 5% 4% के आसपास, नॉट बैड। वेल देखो, इशू ये है कि आईएमएफ ने ये भी कहा है कि इंडिया और चाइना दोनों का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये बहुत ज़्यादा है। देखो, जितनी आपकी जीडीपी है उस जीडीपी के साइज के हिसाब से आपने कितना उधार ले रखा है वो होता है आपका डेट टू जीडीपी रेशियो। इंडिया का अगर हम डेट टू जीडीपी रेशियो देखें तो ये आपको मिलेगा 81.9%, मतलब कि मान लो अगर हमारी जीडीपी है 100%, तो हमारा जो उधार है ये है उसका 81.9%। वेरस चाइना के केस में ये परसेंटेज आपको मिलेगी 83%। और आईएमएफ ने ये कहा है कि ऑल दो इंडिया और चाइना का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये आपको काफ़ी हाई मिलेगा, इंडिया एक ज़्यादा सेफर कंट्री इसलिए है क्योंकि इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये गिरने वाला है आने वाले समय में। क्योंकि देखो, बात यही आती है, आपकी इकोनॉमी के हिसाब से आपका उधार कितना है, तो इंडिया ग्रो इतना तेज करेगा आने वाले समय में कि जितने हम उधार उठाएंगे ना वो जीडीपी की ग्रोथ से फिर भी काफ़ी हद तक कम होगा। तो इंडिया काफ़ी हद तक एक सेफ डेस्टिनेशन है, और आईएमएफ भी कह रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को निवेश करना है तो आप भारत में निवेश करिए। तो अभी के लिए हम अक्टूबर महीने में हैं, ठीक है, अक्टूबर ख़त्म होगा, फिर नवंबर दिसंबर आएगा, दिसंबर एंड में चाइना का डेटा सामने आ जाएगा, इंडिया का डेटा मोस्ट प्रॉब्ली मार्च के बाद आ जाएगा। तो अभी ना हमें आइडिया लगेगा कि ये जो अनुमान है इसके हिसाब से इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी होती है, कहाँ पर हम खड़े होते हैं। मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कि इंडिया या तो 6.3 या फिर हो सकता है, स्मॉल पॉसिबिलिटी है कि इंडिया थोड़ा बहुत इससे भी आगे निकल जाए। होपफुली ऐसा ही होगा, हमारी आदत है, हम लोग काफ़ी बार सरप्राइज करते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में। तो इससे रिलेटेड कुछ अगर बड़ी डेवलपमेंट आती है इन द फ्यूचर तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि भारत और तंजानिया ये डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर कितने साल का एग्रीमेंट करेंगे। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 5 साल का एग्रीमेंट करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया तंजानिया टू सेट अप टास्क फोर्स टू प्रिपेयर 5 ईयर फ्यूचर रोड मैप ऑन डिफेंस कोऑपरेशन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिंड कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you. चलें जी, वीडियो खत्म हो गई और हमें भाई खुशी है क्योंकि कहीं ना कहीं खून का तो रिश्ता है ही। भले मैं आज, हालांकि पाकिस्तान कोशिश करता रहता है कि इंडिया तरक्की ना करे, कहीं ना कहीं से उसकी टांगें खींचते ही रहता है, खराबी कहीं ना कहीं करता रहता है, लेकिन पिछले 75 सालों से यही कुछ हो रहा है, जब से हम अलहदा हुए ना इंडिया से, उस वक्त से यही। और अब तो बिल्कुल पाकिस्तान की सक्कत ही खत्म हो गई ना टांगे खींचने वाली, वो तो रही ना बात। लेकिन इतनी और इसकी वजह मौका मिलते ही भाई साहब पाकिस्तान कुछ ना कुछ
कर लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए भाई पैसा आ जाता है, बुरे बुरे कामों के लिए पैसा कहीं किसे भी आ सकता है। लेकिन अब आप अच्छे कामों के लिए जिस तरह देख लो ये अच्छा काम है, जिस तरह जीडीपी इंडिया की बढ़ रही है उस हिसाब से आईएमएफ भी बोल रहा है भाई साहब इधर निवेश करो। वो तो साफ कह रहे क्योंकि बढ़ती हुई मंडी है, हालांकि पूरी दुनिया रिसेशन में जा रही है। बिल्कुल। और इंडिया एजुकेटेड लोग हैं भाई साहब, पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड वर्कर मिल जाते हैं। उनका मिशन जो है ना आत्मनिर्भर वाला, खुद को मतलब कि आत्मनिर्भर बनाना, इस मिशन के तहत भाई साहब असल बात ये भी है ना कि वो किसी की काम में टांग नहीं रखते। हाँ, बड़ी बात बिल्कुल, और अड़ानी भी नहीं चाहिए भाई अपनी। इसकी वजह से ना दुनिया की नजर में ये एक बना हुआ है कि ये जिस तरह बंदा नहीं होता यार, ये बहुत अच्छा इंसान है। हाँ, ना कभी लड़ाई की है, ना गाल निकाली है, ना किसी के झगड़े में जाता है, इंडिया ने वो अपने आप को वो एक शख्स बनाया हुआ है। इंडिया इस तरह है, इंडिया किसी को नुकसान में नहीं जाता, किसी की लड़ाई झगड़े में नहीं जाता, किसी की दुश्मनी बिना वजह नहीं जाता। यानी के लोगों का दुनिया का एतमाद जीता है, इसीलिए अमान इधर इन्वेस्ट करती है। और इनकी जीडीपी का इतना बढ़ा के बताना, ये इनको दिख रहा है कि हम ग्रो इस तरह कर रहे हैं, क्या खुद थोड़ी बता रहे हैं भाई हो ही ना। अब वो सर क्या कर रहे वीडियो में, मैं तो इससे भी ज्यादा अंदाजा लगा रहा हूँ, हो जाता है इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम बढ़ाएंगे। तो ये सारी बात है भाई, स्कोटी इशू और इत्माद, दुनिया पे इत्माद, ये दो बातें हैं। देख लो जर्मनी, अमेरिका, इटली, इस तरह के जो एडवांस कंट्री, वो कोविड पूरी दुनिया पर ही था, सभी पे भारी था है? सभी पे। उसके बाद रशिया यूक्रेन की वार, बिल्कुल वो बात है, ये हालांकि उसमें सबसे ज्यादा फायदा इंडिया ने उठाया, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी वो अपने आप को रखा ना इंडिया, यूक्रेन में यूक्रेन के साथ इनकी इतनी बनती भी नहीं, फिर भी उन्होंने उनके खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की। उसने न्यूट्रल लेकर दोनों तरफ से फायदा उठाया, अमेरिका को भी अपने साथ मिलाया, उसको भी नाराज नहीं किया, रशिया को भी नहीं होने दिया, उसने भी पूरे हालात पे इसका यूक्रेन के साथ तलखात अच्छे नहीं, फिर भी उन्होंने नफरत नहीं बढ़ाई। सही बात है, उधर से उन्होंने इतनी आसानी से अपने स्टूडेंट भी निकाल लिए, और ऊपर से ये नहीं किया कि वो रशिया का साथ देना शुरू हो गया, नहीं, पाकिस्तान की तरह वो चुप करके पीछे आ गया अपने बंदों को निकाल के, स्टूडेंटों को, उनका मतलब पूरा हो गया। तो पाकिस्तान भी लाहौर से ऐसे मदद के लिए तैयार हो गया जी हम रशिया के साथ, हालांकि यूक्रेन जो पाकिस्तान का फ्रेंड था, फ्रेंड कंट्री था, तो फिर भी उनके खिलाफ खड़े हो गए। भाई हर कोई अपना फायदा देखता है ना, असल और उस तरह के शुरू से ही पाकिस्तान लालच देखी गए सियासतदान, तो फिर मुल्क तरक्की क्या लालच देखा जाता है। और ये जो आप जो हमारे इसमें भाई साहब उनके लीडरान की भाई बहुत बड़ा योगदान है इसमें, वो जो भी इकदाम उठाते हैं ना भाई साहब, वो लॉन्ग टर्म के लिए उसमें फायदा देखते हैं, हमारे जो फायदा उसका लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान, अपने आने वाली जो नस्ल है ना उसको इस तरह मतलब सोच के रखा है, हम तो चलो जिंदगी बसर कर ही चुके हैं किसान की या कर रहे हैं, आने वाली नस्ल हमारी कैसे ग्रो करेगी, इनकी ये इकोनॉमी जो बढ़ रही है रुक ना जाए, वो ऐसा काम करे भी हमारे नौजवान नस्ल जो वो यहाँ से ही आगे लेके चले, बिल्कुल, क्योंकि ये तो इसकी वजह से ही तो वो आज थोड़ा सा ऊपर की बात, अच्छा चाइना जिस वजह से थोड़ा सा नीचे थोड़ी ग्रोथ कर रहा है भाई, चाइना के अंदर का मसला है, प्रॉपर्टी इशू है ना, उस वजह से मैं देख रहा जो पैसे चाइना के अंदर जो बिजनेसमैन है ना, जिस तरह इंडियन के बिजनेसमैन है या पाकिस्तान किसी कंट्री के भी, वो अपने बैंक वालों से पैसा मांग रहे हैं, बिल्कुल, क्यों उन्होंने जो उधार दे रखा है, बिल्कुल वो पैसा मांग, अगर वो पैसा ले लेते हैं कि बैंकों में पैसा निकाल लेंगे, वो डॉलर में निकालेंगे, पाउंड में निकालेंगे या जो भी है, तो फिर बैंक में क्या बचेगा, फिर लॉस नहीं होगा, बैंक उनके पैसे से तो चल रहा है। अगर वो आवाज उठी है, मैंने देखा है कि वो मांग रहे हैं वापसी, और इसके मुतबादर को ना रैलियों की शक्ल में ना कई इनकी स्टेट ऐसी रैलियां निकल रही है, आज की बात है के ये भी सुना है कि आपने 46 बिलियन रुपया इससे भी ज्यादा जो सी पैक पे लगाया था वो एकदम बंद हो गया, पक्की खबर हमें मिली वो बंद हो गया,
आप दूसरा पैसा अफगानिस्तान की तरफ इन्वेस्ट कर रहे हो, पहले को क्यों छोड़ा, इतना ज्यादा काम करके जब मुकम्मल होने जा रहा था छोड़ दिया। की वजह से वो रिसेशन में जा रहा है, लेकिन इसको अंदर से मार को दे रहा है, चेहरा कभी भी किसी से मार नहीं खाएगा, इसको जब भी मार पड़ेगी अंदर से पड़ेगी, जो अब स्टार हो चुका है। अगर अवाम को कंट्रोल ना किया, उन्होंने पैसा निकालने कामयाब हो गए तो चाइना की तो वाट लग जाएगी, फिर हो सकता है आने वाले 2-3 सालों में चाइना के बराबरी पे इंडिया भी पहुंच जाए, क्योंकि इंडिया बिल्कुल धीरे धीरे इंडिया वो जो मिसाल सारे दिए ना कछुए वाली है, उसमें एकता है, जिस वजह से ये बात है, अवाम का इतमाद है, दुनिया का इतमाद है और अवाम का भी इतमाद है, ये बड़ी बात है। वो बंदा हर जगह पे ऐसा मिलकर दोनों सिख मुस्लिम उनका अपना किरदार है। अच्छा कोई इशू देख, इशू देख, मणिपुर मुसलमानों का मसला और खालिस्तान का मसला, ये तीनों चल रहे हैं ना, तीनों चलने के बावजूद भी वो बाहर कोई ऐसी खबर नहीं निकलने दे रहे, फिर भी आवाम को उन्होंने एकता है जिस वजह से हम ग्रो कर रहे हैं, फिर भी उसने बिठा दिया, मसले होते रहते हैं, घूमतों के अंदर मसले नहीं होते, अपोजिशन मुझे समझ नहीं आती कैसे वो काम आज भी आवाज उठ रही है, लेकिन वो बाहर नहीं निकलने देते, वो कंट्रोल करके रखा हुआ है भाई साहब उनका, दुनिया को पता है वो क्या बताते हैं, हम इधर बैठ के कितना चीखते हैं, वो हो गया खालिस्तान का, ये हो गया मणिपुर का, ये मुसलमानों के, लेकिन उनकी मीडिया देखो पूरी दुनिया को चीख चीख के बताती है कुछ भी नहीं, पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं, चाइनी झूठ बोल रहे हैं, बाहर की जो है वो मीडिया जो झूठ बोल रही है, इवन के उन्होंने वो जो क्या है चैनल कौन सा बीबीसी, उन्होंने बीबीसी को बैन कर रखा है, बीबीसी को झूठ करार दे दिया, वो हमारे खिलाफ अगर प्रोपेगेंडा करते हैं, तो पता है एक चैनल जब उसको भी बैन कर रखा है, ऐसा जिससे कंट्री की छवि को नुकसान पहुंचेगा, टूरिस्ट ना आएंगे, इन्वेस्टमेंट, तो बीबीसी की खबर भरी पूरी दुनिया में छाया होती है, अगर बंदे वो सुनते भी आजकल बहुत है, कंट्री के फायदे के लिए उन्होंने बैन कर दिया, अगर वो ना करते होगा इससे आने वाले वक्त में बिल्कुल। तो चलो भाई हमारी तो दुआ है कि इंडिया इसी तरह ग्रो करे, तो ठीक है जी, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।